कभी मुसीबतों को कभी झेलना नहीं पड़ा। सरकार राज्य में किसी की भी हो, एक शिकायत नहीं आई थी। लेकिन आज और मैं कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूं, ये लोकतंत्र है, ये पिछले दरवाजे से सरकार चलाने के इरादे छोड़ दीजिए। बीस साल हो गए गुजरात की जनता आपको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आप लोगों के दिलों में जगह नहीं बना पा रहे हो, क्योंकि सिवाय षड्यंत्र आपको कोई काम बचा नहीं। और गवर्नर पद की बकरीमा को आपने चूर चूर कर दिया है। मैं तो हमें लड़ाई संविधान की रक्षा के लिए कर रहे हैं, हम ये लड़ाई मर्यादाओं के पालन के लिए कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं क्या कभी एक राज्य में दो सरकारें चल सकती है क्या? अगर दो सरकारें चलेगी तो शासन जाएगा कहां? कांग्रेस के मित्र राज्यपाल जी के माध्यम से पैरेलल सरकार चलाने के षड्यंत्र कर रहे हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट में दौरे करवा रहे हैं, अफसरों की मीटिंग बुला रहे हैं और सीधे सीधे आदेश दे रहे हैं जो उनके अधिकार में नहीं है। बहुत बार उनको समझाया भी, लेकिन उनके लिए कांग्रेस का दबाव ये सबसे बड़ा संकट बना हुआ है। भाइयों बहनों, लोकतंत्र इस प्रकार से नहीं चल सकता, और इसलिए हिंदुस्तान के सार्वजनिक जीवन के इतिहास में पहली बार लाखों लोगों की विराट सभा में एक गवर्नर के खिलाफ राजभवन को कांग्रेस भवन बनाने के पाप कर्म के खिलाफ एक चुनी हुई स्थिर सरकार को उखाड़ कर फेंकने के षड्यंत्र के खिलाफ ये जनता जनार्दन की आवाज इस प्रकार से रास्ते पर आने के लिए मजबूर हुई है। भाइयों बहनों, वो 356 लगा नहीं पाए, वो भांति भांति के षड्यंत्र करके हमें बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पाए, वो जनता के दिलों को जीत नहीं पाए। और इसलिए गुजरात जैसे कोई दुश्मन देश का हिस्सा हो, ऐसा दुश्मनी का व्यवहार किया जाता है। भाइयों भाइयों, मैंने कहो आज दिल्ली ने जवाब आपको जोइए, आज दिल्ली नो जवाब मांगवो जोइए, आज दिल्ली ने सल्तनत ने पांच भणावो जोइए। भाइयों बहनों, ने पांच भणावा माटे जनशक्ति लोकशक्ति एज आपणो मार्ग छे, एज आपणो माध्यम छे। बंधारण आपेला रस्ते आपणे गुजरात ना हक्को माटे, गुजरात ना अधिकार माटे लड़िए। आज की आ सभा में लोकायुक्त ना मुद्दे हमें मौन रहेवानुं पसंद कर्युं छे, कारण कोर्ट नी अंदर मामलो पड़ेलो छे। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis and much more. Download free NDTV.com/apps.